नमस्ते, वेलकम टू हिस्ट्री मंत्रा। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर, इस्लामिक एंड इंडियन एंटीसीडेंट्स। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ब्रिटिश और इंडियन दोनों इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि जो नॉर्थ इंडिया का की साउथ एशियन हिस्ट्री है, पूरी मिडीवल में ये देखा गया है कि दो चीज़ें हुई हैं, मुस्लिम्स का टेक ओवर और इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस का यहाँ बसना। दोनों इन दोनों चीज़ों ने मुस्लिम पूरे 13 सेंचुरी पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, मुस्लिमों का यहाँ आना और इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस का यहाँ बसना। अर्ली मिडीवल पीरियड की शुरुआत में जब गुप्ताओं का पतन हो रहा था, साथ ही साथ जो पॉलिटिकल और कल्चरल सिस्टम था इंडिया का वो भी डिक्लाइन हो रहा था और छोटे छोटे राज्य बन गए थे। जो ये परसेप्शन है, पूरा नॉर्थ सेंट्रिक परसेप्शन है, इसको साउथ सदर्न सबकॉन्टिनेंट से अलग रखा गया क्योंकि वहाँ पर लंबे समय तक कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट थी ही नहीं, कोई भी स्टेबल इस्लामिक गवर्नमेंट वहाँ नहीं बनी थी, इसलिए इस परसेप्शन को साउथ इंडिया से अलग रखा गया है। आगे चलकर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे एक इस्लामिक स्टेट का कंसेप्ट क्या होता है, पॉलिटिकल आइडियाज़ पढ़ेंगे अल-मवारिज़ और निज़ामुल मुल्तुसी के, और हम देखेंगे स्पेशल इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन फ्यूडलिज्म एंड इंडियन फ्यूडलिज्म डिबेट। और सबसे पहले शुरुआत में इस्लामिक इमर्जेंस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ स्टेट इन इस्लामिक सोसाइटी। इस्लामिक स्टेट का मतलब क्या होता है और इसका उदय कहाँ से हुआ इस्लामिक स्टेट का, जब ये तो इस्लामिक स्टेट का उदय ऑब्वियस सी बात है, इस्लाम का जहाँ से उदय हुआ होगा वहाँ से ही इस्लामिक स्टेट का कंसेप्ट भी आएगा। इस्लामिक स्टेट का कंसेप्ट वहाँ से निकल कर आता है जहाँ से अरेबिक सोसाइटी बनती है, ट्राइबल लोग इकट्ठे होते हैं और जो सोसाइटी हाईली फ्रेगमेंटेड थी उसे इकट्ठा कर दिया जाता है। मोहम्मद जी के टाइम से इस्लाम का हम उदय देखते हैं, कुरान की सुप्रीमेसी देखते हैं हम इस्लाम में, अल्लाह को सुपीरियर अल्लाह को मानते हैं, पूरे मदीना में इसकी फाउंडेशन बनती है, कुरान को मुस्लिम लॉ को जहाँ से मुस्लिमों के लिए लॉज बनाए जाते हैं उसे शरीयत माना जाता है, और जिस पॉलिटिकल यूनिट में ये आपस में एक दूसरे को जोड़ते हैं, जिस पॉलिटिकल यूनिट में ये लोग रहते हैं उसे उम्मा कहा जाता है। बाद में कैसे कैसे स्थितियाँ चेंज होती हैं, परिस्थितियाँ बनती हैं मोहम्मद जी की मृत्यु के बाद, कैसे इंस्टेबिलिटी आ जाती है पॉलिटिकल पॉलिटिक्स में वो देखते हैं। इस पूरे सिस्टम में तीन चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, 3 core pillar हैं इस्लामिक सोसाइटी के, वो है पहला तो कम्युनिटी लीडरशिप और तीसरा जस्टिस। कम्युनिटी लीडरशिप और जस्टिस, एक कम्युनिटी जिसे उम्मा कहा जाएगा, लीडरशिप उसमें कैलिफ की लीडरशिप होगी, और तीसरा जस्टिस कि वहाँ पर सच्चाई होगी, इस बात को माना जाता है। आगे चलते हैं पॉलिटिकल आइडियाज़ ऑफ अल-मवारिज एंड निज़ामुल मुल्तुसी। इस समय में 2 writers थे जिन्होंने उस समय के बारे में लिखा जब कैलिफ की पावर्स कमज़ोर हो रही थी और साथ ही साथ दूसरी तरफ टर्किश साम्राज्य बढ़ रहा था। हालांकि जो कैलिफ की पावर्स थी वो अब तक सुप्रीम थी, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल पावर ख़त्म हो गई है, लेकिन साथ ही साथ जो टर्किश स्टेट्स थे वो अपने एक नया सिस्टम लेकर आए थे जिसे कहते हैं डिस्पोटिक मोनार्कियल सिस्टम, जिसके तहत ये एक नया सिस्टम बना रहे थे। इस समय में टर्किश सुल्तान, जो टर्की का सुल्तान है और जो कैलिफ है, दोनों ही मेन सब्जेक्ट थे डिबेट के फिलोसोफर्स और पॉलिटिकल थिंकर्स के बीच में। इसी बीच में हम देखते हैं कि हमारे सबसे पहले हिस्टोरियन जिनका नाम है अल-मवारिज, या हम कहें अबुल हसन बिन हबीबी अल-मवारिज के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए 3 questions सबसे पहले बनते हैं, या तो अल-मवारिज पूछा जाएगा,
अलमावारी पूछा जाएगा सबसे पहले, नहीं तो निज़ामुल तुस्सी पूछा जाएंगे, नहीं तो इंडियन फ्यूडलिज्म के बारे में पूछा जाएगा। इन तीनों में से एक दो तीन, इन तीनों में से एक के ऊपर पहला क्वेश्चन आएगा। अभी तक ये होता आ रहा है कि निज़ामुल कबूल तुस्सी ज़्यादा पूछ रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, लेकिन अलमावारिद और इंडियन फ्यूडलिज्म की डिबेट भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। वर्षल इशू जो समय का चल रहा है वो आराम से पढ़ लेंगे, बहुत ही है क्योंकि मोहम्मद जी की मृत्यु के बाद अलमावारिद कोई प्रॉपर अलमावारी नहीं था जिससे कि कैलिफ चुना जाए, इसलिए पर्शियन, इसलिए इनकी राइटिंग्स में पर्शियन इन्फ्लुएंस ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि उस समय जो वहाँ का जो सिस्टम था वो काफ़ी इस्टेब्लिश था, प्रॉपर इस्टेब्लिश्ड सिस्टम था, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन थी, इसलिए उनके आइडियाज़ और थ्योरी से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। अलमावारिद कौन थे? तो अलमावारिद एक मुस्लिम राइटर थे, मुस्लिम लॉयर थे और फिलोसोफर थे बगदाद में। ये पहले ऐसे मुस्लिम थे जिन्होंने सारी पब्लिक ऑर्डिनेंसेस को इकट्ठा किया और एक बुक छापी जिसका नाम लिखा द ऑर्डिनेंस। और इनकी इस किताब को हैंडबुक भी माना जाता है कैलिफेट के लिए। क्या होता है मोटिव ऑफ द स्टेट और दूसरा है करेक्टरिस्टिक ऑफ द इस्लामिक स्टेट। मोटिव, एक इस्लामिक स्टेट का मोटिव क्या होना चाहिए? तो इस्लामिक स्टेट का मोटिव होना चाहिए वहाँ पर जस्टिस होना चाहिए, ट्रुथ होना चाहिए, अदल और सच्चाई होनी चाहिए। और दूसरा वहाँ पे सेपरेशन ऑफ गुड फ्रॉम बैड, अच्छे और बुरे में, सही और गलत में क्लियर डिमार्केशन होनी चाहिए कि ये सही है और ये गलत। इससे क्या होगा, इसकी जो स्टेट की मशीनरी है वो अच्छे से काम करेगी। दूसरा करेक्टरिस्टिक ऑफ द इस्लामिक स्टेट, जैसे कि हर स्टेट एक आइडियोलॉजी पे बेस्ड होता है, हर स्टेट, हर राज्य या हर कंट्री एक आइडियोलॉजी पर बेस्ड होता है। वहाँ जो इस इस्लामिक स्टेट होगा वहाँ पर जो हेड होगा वो होगा कैलिफ, तभी ये साथ मिलके एक रिलीजियस और पॉलिटिकल यूनिटी बना पाएंगे, क्योंकि एक ही रिलीजन होगा ना, एक रिलीजन भी एक होगा और पॉलिटिकल जो लीडर है वो भी उसी रिलीजन से बिलोंग करता होगा जिस रिलीजन से ये सारे बिलोंग करते हैं, तो इन लोगों में यूनिटी रहेगी। और इससे क्या होगा, अथॉरिटी ऑफ द मुस्लिम लॉ यानी कि कुरान की अथॉरिटी बन जाएगी यहाँ पे, जो कुरान में जो भी लॉज और बातें कही गई हैं उनको माना जाएगा, उनसे ही लॉज बनेंगे। तो इस सब का रिजल्ट क्या होगा, इस मोटिव का और इस करेक्टरिस्टिक का रिजल्ट ये होगा कि जो इस्लामिक स्टेट होगा उसमें लोग सही राह पर चलेंगे और अमन और चैन से रहेंगे। इन तमाम चीज़ों की वजह से जो पॉलिटिकल बॉन्ड होगा वो स्ट्रेंथन होगा, क्योंकि लोग पॉलिटिकली और रिलीजियसली जुड़े हुए हैं, ऐसे में इन सब बातों को समझ सकते हैं कि अलमावारिद एक सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं ना, समझ में आता है कि एक सेंटर में हेड होना चाहिए जिसे कैलिफ कहेंगे और वो इन सब के ऊपर रूल करेंगे। तो अलमावारिद डेफिनेटली एक ऐसी गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, और इस सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हेड होगा वो होगा कैलिफ, जिसके बारे में अलमावारिद बात कर रहे हैं। अलमावारिद आगे कहते हैं कि जो ये कैलिफ होगा जिसे लोग सिलेक्ट करेंगे वो कैसे सिलेक्ट होना चाहिए, वो इस तरीके से सिलेक्ट होना चाहिए कि जो कंसेंशियस से सिलेक्ट होना चाहिए, अपॉइंटेड बाय इमा। इस कंसेंशियस से लोग जब इजमा कहेगा और कम्युनिटी जो होगी उसे उम्मा कहेंगे, जो कम्युनिटी होगी, मान लीजिए अगर ये जगह है जहाँ पर कैलिफ चुने जाने वाले हैं, तो इस एरिया में जितने भी लोग रहेंगे, इस कम्युनिटी के जितने भी लोग होंगे उन्हें उम्मा कहा जाएगा, इसे उम्मा कहा जाएगा। और इस उम्मा में जो भी लोग मिलकर कैलिफ को चुनेंगे, मान लीजिए इसने इन कैलिफ को चुन लिया है, तो वो ये कैलिफ अमन और चैन बनाएगा। जिन लोगों ने अपना कैलिफ चुना है उनकी यूनिटी और फेथ अपने कैलिफ की तरफ होगी। ये जो जितने भी लोग इस उम्मा के अंडर रहते हैं वो अपनी सारी फेथ और अपनी सारी यूनिटी इकट्ठे करके अपनी कैलिफ की तरफ दिखाएंगे। जब लोगों के साथ उनका कैलिफ जब लोग अपने यूनिटी के साथ एक कैलिफ चुनेंगे
तो उनकी यूनिटी प्रिजर्व्ड रहेगी, है ना। इकट्ठे होकर एक कैलिफ को चुनेंगे तो लोगों की यूनिटी प्रिजर्व्ड रहेगी, साथ ही साथ जब यूनिटी प्रिजर्व्ड रहेगी तो टेरिटरीज भी प्रिजर्व्ड रहेगी और उनकी सारी डिमांड्स फुलफिल होती रहेगी, जो जो उन्हें चाहिए, जैसे जैसे स्टेट होना चाहिए वैसा वैसा वो बनता जाएगा। और यही मोटिव है, कंप्लीट मोटिव है कि इस्लामिक स्टेट का, जिसके बारे में अल-मवारीद बात करते हैं। दूसरे इम्पॉर्टेंट हिस्टोरियन है निज़ामुल मुल्तसी, ध्यान रखिए ये कई बार पूछे जा चुके हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी हैं। निज़ामुल मुल्तसी ये एक पर्शियन स्कॉलर थे और गवर्नर थे सेल्जुक एम्पायर के। इनके राजा मलिक शाह ने इनको एक बुक लिखने को कहा गवर्नमेंट और रिलीजन के ऊपर, गवर्नमेंट रिलीजन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। तब इन्होंने सियासतनामा लिखी, इनका असली नाम इनका असली नाम है अबू अली हसन इबन अली तुसी। ये डिफैक्टो रूलर थे मलिक शाह के कोर्ट में। सियासतनामा लिपि के पीछे लिखने की एक कहानी है। कहा जाता है कि मलिक शाह ने अपने कोर्टियर से कहा कि अगर कोई राज्य स्टेट तबाह हो रहा हो तो उसे बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तब वहाँ खड़े सभी वजीरों और दरबार अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू पेश करने लगे। तब निज़ाम ने अपनी सियासतनामा लिखकर मलिक शाह को सुनाया और मलिक शाह सुनकर इतने इम्प्रेस हुए कि इसे अपने स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन ही बना डाला। निज़ामुल मुल्तसी के लिखने का तरीका बहुत अलग था, सबसे अलग तरीके से ये किसी भी बात को समझाते हैं। अगर वो किसी भी बात को कहते हैं तो उसके लिए काफ़ी सारे हिस्टोरिकल एग्जांपल्स देंगे, हर बात को एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी सारे रेफरेंस, पॉइंट ऑफ व्यूज, फैक्ट्स ये सब देंगे। वो अपनी सारी जितनी भी अपनी नॉलेज है उसको कुरान और हदीस से इंटरप्रेट करके बताते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए वो एक इफ़ेक्टिव गवर्नमेंट, एक सही गवर्नमेंट, इफ़ेक्टिव गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं तो उसके भी हिस्टोरिकल एग्जांपल्स देंगे, उससे रिलेटेड फैक्ट्स देंगे, उससे रिलेटेड कुरान और हदीस में जो जो इंफॉर्मेशन दी है उसमें से एग्जांपल्स देंगे। और कई बार तो वो नॉन इस्लामिक लैंड से भी इंफॉर्मेशन या स्टोरीज बताते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पर अगर समझाया जाए कि मान लीजिए अगर निज़ामुल मुल्तसी ये समझाते हैं कि एक राजा के कोर्टियर्स कैसे होने चाहिए, तो वो कहते हैं कि ऐसे होने चाहिए जो अल्लाह से डरे, लालची नहीं होने चाहिए। और इसके लिए वो काफ़ी सारे एग्जांपल्स और फैक्ट्स देते हैं, अगेन इस बात को समझाने के लिए। अगर मान लीजिए वो ये बताते हैं कि जस्टिस होनी चाहिए और वो ये बात कहते हैं, वो ये सेंटेंस कहते हैं अपनी सियासतनामा में, उनका कहना था कि जिस राज्य में न्याय होता है वहाँ के लोगों को भी फ़ायदा होता है, वहाँ के बादशाह को भी फ़ायदा होता है और बादशाह को तमाम तरीके की, हर तरीके की इज्जत मिलती है। वो इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए वो एक एग्जाम्पल देते हैं ईरान के एक राजा का, जिसमें वो बताते हैं कि सालाना वो एक दरबार लगाता था और जहाँ लोग आते थे और अपनी परेशानियाँ बताते थे। ऐसे में अगर कोई भी दरबारी अगर किसी को अंदर आने से रोके या मना करे अंदर आने से, तो उस दरबारी को बहुत ही सख्त सज़ा मिलती थी। ऐसे में न्याय इस हद तक दिया जाता था कि अगर मान लीजिए कोई राजा या बादशाह के खिलाफ भी कोई शिकायत दर्ज करा देता है तो बादशाह के लिए, उसके लिए भी चीफ जस्टिस को बुलाया जाता था और फिर न्याय दिया जाता था, इस हद तक न्याय दिया जाता था। ऐसा एग्जाम्पल देकर निज़ामुल मुल्तसी जस्टिस के बारे में समझाते हैं। फिर आती है उनकी थ्योरी ऑफ स्टेट। सबसे पहले वो बात करते हैं हेड ऑफ़ द स्टेट की, कि एक हेड को किस तरीके के लोगों से कंसल्ट करना चाहिए। वो कहते हैं वाइजेस्ट मैन के साथ, मतलब बुद्धिमान लोगों के साथ बैठकर राजा को कंसल्ट करना चाहिए, वाइजेस्ट बुद्धिमान लोगों के साथ। फिर और इंस्ट्रक्शंस टू द ऑफिसर, वो ऑफिसर्स को क्या इंस्ट्रक्ट करते हैं एक स्टेट में,
ऑफिसर्स को क्या इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, तो वो राजा तो वो ऑफिसर्स को ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि राजा अपने ऑफिसर्स से स्ट्रिक्ट गाइडेंस दे कि वो अपनी प्रजा के सभी लोगों के साथ तमीज से पेश आए, राजा का प्रजा के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाए रखे जो कि स्टेट के लिए बहुत कंपल्सरी या आवश्यक है। फिर आता है सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, सबसे सुप्रीम अल्लाह है, और साथ ही वो राजा को ये भी समझाते हैं कि पावर्स को वो यूज़ कर रहे हैं, जिन पावर्स को वो यूज़ कर रहे हैं वो अल्लाह जी की तरफ से उन्हें दी गई है, इसीलिए इन्हें देख कर और संभाल कर इन पावर्स का इस्तेमाल किया जाए। इंटेग्रिटी एंड इम्पार्शलिटी ऑफ जुडिशरी, जो जज और ऑफिस मेंबर्स हैं जज के, उनकी सैलरी बाकी एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो किसी भी तरीके के इल प्रैक्टिसेस में या गलत किसी काम में ना पड़ जाए, इल प्रैक्टिसेस में ना आ जाए। ये एक मॉडर्न डे प्रैक्टिस भी है, आज भी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और या फिर जस्टिस होते हैं, जज होते हैं, उनकी सैलरी बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स से ज़्यादा होती है ताकि वो किसी गलत उसमें इन्फ्लुएंस में ना जाए। रूल अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कुरान, लाइक ऑब्वियसली बात है जो भी कानून बनेंगे, जो भी लॉज बनेंगे वो कुरान के अकॉर्डिंग बनेंगे, लेकिन वो इस बात के लिए भी अग्री करते हैं कि हाँ भाई जैसे जैसे समय बदलता है प्रॉब्लम्स बदल जाती हैं, उनके सॉल्यूशंस उनके लिए सॉल्यूशन ढूंढने कुरान में से मुश्किल हो जाते हैं, तो वो इस बात को मानते हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई जिसका आंसर कुरान में नहीं है तो राजा अपनी स्पेशल पावर्स का इस्तेमाल करके कोई नया रूल बना सकता है। फिर आता है इन्फ्लुएंस ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स। इन्फ्लुएंस ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स में वो कहते हैं कि इस एरिया में वो थोड़े पुराने विचारों के नज़र आते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऐसा काफ़ी रूढ़िवादी है, क्योंकि वो कहते हैं कि औरतें पॉलिटिक्स के फील्ड में अच्छी तरह काम नहीं कर सकती। दूसरा, वो राजा को वार्निंग देते हैं कि औरतों से काम नहीं लेना चाहिए वो, इसलिए क्योंकि राजा अपने एडमिनिस्ट्रेशन को ढंग से नहीं चला पाएगा अगर वहाँ औरतें काम करेगी। इसके लिए वो ईरान के एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि वहाँ पर औरतें ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं, इसलिए वो राजा ढंग से काम नहीं कर पाया, ऐसा एक एग्जाम्पल देते हैं। फिर वो बात करते हैं एम्बेसडर्स की, एम्बेसडर्स के बारे में चाणक्य भी बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं, ये सारे पॉइंट्स चाणक्य भी अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन करते हैं। चाणक्य ने जिस तरीके से एम्बेसडर्स को इम्पॉर्टेंट माना है, इसी तरीके से निज़ामुल मुल्क तुसी ने भी एम्बेसडर्स को इम्पॉर्टेंट माना है। वो कहते हैं कि इनका काम सिर्फ ये नहीं होता कि वो समाचार यहाँ से वहाँ देकर आ गए, उनका दूत का काम ये होता है कि वो जिस उद्देश्य से जा रहा है वो तो कवर करे ही करे, वहाँ जाकर उस राज्य में जो प्रशासन है, जिस तरीके का प्रशासन है, जिस तरीके के वो लोग हैं, जहाँ वो जो वो शहर है, वहाँ की गलियाँ कैसे हैं, वहाँ के बाजार कैसे हैं, उनको भी ढंग से समझे ताकि आगे चलकर अगर हमें इससे जंग लड़नी पड़े तो हमें आसानी से उसका फ़ायदा मिल जाए। फिर है स्पाइस, वो भी चाणक्य भी और वो भी निज़ामुल मुल्क तुसी भी इस बात को मानते हैं कि स्पाइस बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। निज़ामुल मुल्क तुसी कहते हैं कि जो ये स्पाइस होते हैं ये आँख और नाक आँख और कान की तरह इस्तेमाल करते हैं राजा के, और वो कहते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट में राजा का स्पेशल स्पाई होना चाहिए ताकि उन हर डिपार्टमेंट में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या सही हो रहा है, क्या क्या गलत हो रहा है, राजा के कानों में आता रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।